लोमड़ी जिसका नाम क्रातिल था जंगल में रहती थी। उसे एक चालबाज माना जाता था। क्रेटिल अन्य जानवरों से दोस्ती करती थी ताकि उन्हें धोखा दे सके और उन्हें अपना शिकार बना सके। एक दिन क्रेटिल बहुत परेशान थी क्योंकि वह दिनों से भूखी थी और उसे खाने या पीने को कुछ नहीं मिला। और चूंकि वह विश्वसनीय नहीं थी, उसके कोई दोस्त नहीं थे, क्रेटिल घंटों तक जंगल में भटकती रही। फिर उन्होंने एक पेड़ की डाली पर ऊंचा बैठे हुए एक मुर्गे को देखा। क्रेटिल को मुर्गा देखकर बहुत खुशी हुई। क्रेटिल ने अपने आप से सोचा, वाह, एक मुर्गा, मेरे लिए एक आदर्श भोजन। मैंने दिनों से कुछ नहीं खाया है, मैं भूख से मर रहा हूँ। क्रेटिल बहुत खुश हुई, पर पेड़ की ऊंचाई देखकर उसे थोड़ी चिंता हुई। यह पेड़ विशाल है, मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूँ? क्रेटिल के लिए पेड़ पर चढ़ना एक अवास्तविक काम था। उसने फिर सोचा, मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, पर मैं निश्चित रूप से मुर्गे को नीचे आने के लिए मना सकती हूँ। इस विचार के साथ क्रेटिल पेड़ की ओर बढ़ चला। फिर उसने मुर्गे की ओर देखा और कहा, हेलो मिस्टर मुर्गा, मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। मुर्गा नीचे देखकर क्रेटिल से बोला, अच्छी खबर है? क्या खबर है? क्रेटिल ने जवाब दिया, स्वर्ग से एक आदेश प्राप्त हुआ है जिसमें लिखा है, सभी जानवर एक दूसरे के साथ शांति और सद्भाव में रहेंगे और वे एक दूसरे को मारेंगे नहीं। मुर्गा क्रेटिल की मंशा पर संदेह हुआ। मुर्गा ने बहुत सीधे शब्दों में जवाब दिया, अच्छा, वह अच्छा है। मुर्गे के साधारण और संक्षिप्त जवाब को सुनकर क्रेटिल चकित रह गई। इस मुर्गे ने बस ठीक है कहकर बातचीत समाप्त कर दी। उसे नीचे आने के लिए मैं क्या करूं? क्रेटिल ने फिर से मुर्गे से बात करने की कोशिश की। मिस्टर रूस्टर, अब हम सभी को साथ रहने के लिए एक वैध आदेश भी मिल गया है, फिर आप वहाँ पेड़ पर क्यों बैठे हैं? आपसे लोमड़ी भी मुर्गों या मुर्गियों का शिकार नहीं करते हैं, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है, आप नीचे आ सकते हैं। इस सभी चापलूसी को सुनकर मुर्गा अपने संदेह का आश्वस्त हो गया कि क्रेटिल के इरादे कुछ बिल्कुल अलग थे। मुर्गा तुरंत क्रेटिल को दूर भगाने के लिए एक चाल सोची। धन्यवाद, यह एक अद्भुत अनुभव है। अरे देखो वहाँ तुम्हारे दोस्त हैं। तुमसे मिलने आ रहा हूँ। मुर्गे की बात सुनकर क्रेटिल सोचने लगी, मेरे दोस्त? मेरे कोई दोस्त नहीं है, यह मुर्गा किसकी बात कर रहा है? क्रेटिल ने मुर्गे से पूछा, मिस्टर मुर्गा, आप किन दोस्तों की बात कर रहे हैं? मुर्गे ने व्यंग्यात्मक रूप से जवाब दिया, वे जंगली कुत्ते जो अब आपके दोस्त हैं और आपके साथ शांति और सद्भाव में रहने वाले हैं। जंगली कुत्तों के बारे में सुनकर क्रेटिल डर गई। क्रेटिल को डरा हुआ देख मुर्गा ने कहा, मेरे प्यारे दोस्त, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? हम अब दोस्त हैं, है ना? हाँ हाँ, पर शायद उन जंगली कुत्तों को अभी तक पता नहीं है। और फिर क्रेटिल अपनी जान बचाकर वहां से उड़ गई और मुर्गे ने अपनी चतुराई से लोमड़ी को बचा लिया।